ये मजलिस खुदा के हसन फिक्र हुसैनी की तरबियत गाह है। पहली तरबियत गाह फिक्र हुसैनी की माँ की गोद है, फिर मजलिस हुसैनी, और इसकी हिफाजत करना, मजलिस हुसैन और फिक्र हुसैन की हिफाजत करते रहना और अगली नस्लों तक इस पैगाम को पहुंचा देना। अल्लामा तालिब जोहरी 27 अगस्त 1938 में पटना इंडिया में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अपने वालिदे मोहतरम मौलाना मुस्तफ़ा जोहरी के ज़ेरे निगरानी हासिल की। 1949 में अपने वालिद के हमराह पाकिस्तान आए। 10 साल नजफ में आला दीनी तालीम हासिल की। अल्लामा तालिब जोहरी को नजफुल अशरफ के मुमताज़ आलम आयतुल्ला सैयद अब्दुल्ला शेराजी, आयतुल्ला सैयद अली रफ़ानी, आयतुल्ला सैयद मोहम्मद बगदादी, आयतुल्ला बाकिरुल सदर ने फारिगुल तहसील होने की सनद दी। अलामा 1965 को कराची वापस आए। 5 साल जामे इमामिया के प्रिंसिपल रहे। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज नाजिमाबाद कराची में इस्लामियात के मदरस की हैसियत से तकर्रुर हुआ। अल्लामा तालिब जोहरी बेहतरीन खतीब होने के साथ साथ बेहतरीन शायर भी थे। अल्लामा साहब को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सितारे इम्तियाज से भी नवाजा जा चुका है।